एक चीज ऐसी है जो उसोस ने और हासिल कर ली है, जो कि वो एक ऐसी टैग टीम बन गए जो कि लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे, और वो टाइम है 13 सालों का। मतलब कभी भी दोनों भाइयों में से किसी को भी ये गाना नहीं गाना पड़ा, दगाबाज रे हाय। जल्दी वहां से हटो। क्या था कारण कि एक भाई को देना पड़ा दूसरे भाई को धोखा? प्रॉपर्टी का मामला? नहीं नहीं नहीं। पैसों का मामला? नहीं नहीं नहीं। कहीं फिर रशियन का मामला तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो जिमी उसो ने जे उसो के खंजर मार के उनकी जिंदगी बंजर बना दी, क्योंकि ना तो वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन पाए और ना ही वो ट्राइबल चीफ बन पाए। लेकिन तुम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आखिरकार जिमी उसो ने ये करा क्यों। तो देखो, इसके रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ कारण दूंगा कि ऐसा क्यों करा, कुछ ऐसे रीजन दूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। आप देखो, 100% सही तो हो नहीं सकते, लेकिन जहां तक यही होंगे। तो मुझे सबसे पहला रीजन लगता है कि जिमी उसो ने यहां पे जे उसो को अटैक किया, क्योंकि यहां पे हमेशा जिमी उसो को तुम एक चीज देखते हो कि हमेशा मतलब अलग से रखा जाता है। अलग से मतलब तुम लोग खुद देखोगे ब्लड लाइन के मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स अभी तक रहे हैं ब्लड लाइन के अंदर, उसमें से मेन इवेंट सैमी ज़ेन बन गए, मेन इवेंट जे उसो बन गए, भाई सोलो सिकोवा ने भी रॉ स्मैकडाउन मेन इवेंट करके रखे हैं, लेकिन हमारे जिमी उसो भैया ने आज तक कभी भी सिंगल्स मेन इवेंट नहीं करा। अब देखो भाई, तुम इस चीज को खुद सोचो, हर बंदा ग्रुप में मेन इवेंट कर रहा है लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं अलग सा फील तो होता है। मतलब सबको मौका मिल रहा है, लिटरली सबको, बट तुम्हें ही नहीं मिल रहा है। अगला जो रीजन है वो यहाँ पे इसी रीजन से रिलेट करता है, जो कि है कि जिमी उसो जेलस है। जेलस मैं स्टोरी लाइन के हिसाब से कह रहा हूँ, असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरी लाइन के हिसाब से जिमी उसो थोड़े से जेलस है। तो देखो यार भाई, हर बार मेन इवेंट जे उसो, रेकलेस ऑफ चैंपियंस में भी उन्होंने ही रोमन रेंज को फेस किया, हेल इन अ सेल में भी उन्होंने ही रोमन रेंज को फेस किया, जिमी को तो भाई मौका ही नहीं मिला है। उन्होंने रोमन रेंज को आज तक कभी सिंगल्स मैच में फेस नहीं किया, कहीं ना कहीं उन्हीं के भाई उन्हीं को मौका नहीं लेने दे रहे। ऐसा उन्हें लगेगा कि भाई यार इसी बंदे को सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो एक टाइप की जेलेसी तुम लोगों को ऐसा दिखा सकती है WWE। अगला जो कारण मेरे को लगता है वो है जिमी उसो से अपॉर्चुनिटी छीन लेना। अब तुम लोग भाई खुद ये चीज देखो कि जिमी उसो ने यहाँ पे हिम्मत करी, जिमी उसो आ गया है कि भाई मैं अटैक करूंगा रोमन रेंज को, उन्होंने हिम्मत दिखाई। जे उसो तो भाई कुछ कर ही नहीं रहे थे वो। हाँ भाई यार चलो ट्राइबल चीफ है, चलो भाई इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिमी उसो ने अटैक किया। तो ये खेल जिमी उसो ने शुरू किया, ना कि जे उसो ने। लेकिन शुरू किसने किया? जिमी उसो ने। समझ लैम में मैच किसको मिला? जे उसो को। अपॉर्चुनिटी किसकी गई? जिमी उसो की। लेकिन भाई तुम्हारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे मुंह से ले गया वो बंदा, इस बात का भी गुस्सा जिमी उसो को रह गया होगा, इस वजह से भी अटैक कर सकते हैं वो। अगला जो कारण है, मुझे लगता है कि जिमी उसो इसी को आके स्मैकडाउन में गएंगे, और यही मेरे ख्याल से कारण होगा, जो कि टाइटल अपॉर्चुनिटी और ट्राइबल चीफ की पोजीशन। टाइटल अपॉर्चुनिटी वाला सीन तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि भाई उन्होंने अटैक किया था, उनकी अपॉर्चुनिटी थी उनको मिली नहीं, इस वजह से उन्होंने जे उसो को अटैक किया। ट्राइबल चीफ वाली चीज ऐसे कि भाई देखो, ब्लड लाइन के मेंबर तो यहाँ पे जिमी उसो भी है ना, तो वो भी तो डिजर्व करते हैं कि वो बने यहाँ पे ट्राइबल चीफ, लेकिन उन्हें तो कभी मौका मिला ही नहीं ट्राइबल चीफ बनने का। भाई कब तक बनता है करते रहेगा कि चलो भाई इसको ट्राइबल चीफ बना लेते हैं, इसको ट्राइबल चीफ बना लेते हैं, साला हम तो ऐसे ही बैठ रहते हैं, ना तो हमको मेन इवेंट दो, ना तो हमको टाइटल दो, ना तो हमको अपॉर्चुनिटी दो, ना तो हमको कुछ दो। तो मतलब WWE एकदम सिनेमा वाला सीन क्रिएट कर सकती कि भाई जिमी उसो गुस्सा है अंदर उनके कि भाई ना उनको ट्राइबल चीफ वाली चीजें मिलती है, ना उनको मेन इवेंट वाली चीज मिलती है, ना उनको टाइटल मिलती है, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं, आखिर में उनको मार ही मिलती है, कोई ना कोई आके उन पर अटैक कर जाता है। अब तुम इस चीज को ऐसे समझो कि जिमी उसो ने 6,000 खर्च करके रशियन मंगाई, लेकिन भाई यहाँ पे रशियन मंगाई उनने, लेकिन उसका इस्तेमाल जे उसो कर रहे हैं। अब भाई थोड़ी खुंदक तो आएगी ना, लेकिन इस वाला एग्जांपल गलत हो गया लगता है। अब देखो, पूरा 100% मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही चीजें होंगी, यही जिमी उसो कहेंगे, लेकिन यही होगी जहां तक है, क्योंकि इसके बाहर जिमी उसो आगे क्या कहेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि WWE स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेच करती जा रही है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच करती जा रही है। मतलब अभी यहाँ पे जिमी उसो को ऐसा लग रहा है, थोड़े टाइम पे यहाँ पे सोलो सिकोवा को भी लगने लग जाएगी, साला तूने मेरे को उस समय स्पेल लगाई थी ना, चल फिर अब तू समोन स्पाइक खा ले। अब देखो वो सब जो भी है, लेकिन तुम्हें इस स्टोरी लाइन में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है वो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ प्रिडिक्ट किया है कि ये कारण हो सकते हैं, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण होंगे, लेकिन तुम लोग किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो वो भी तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।